हाँ भाई, हमारे पास क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो हमारे पास जब ये दे रहा है कि थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d इज 12। प्लीज ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म जो है हमारे पास, उसको एल से करते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा, तो एल को भी याद रखना सीख लीजिए। फर्स्ट टर्म ए कहते हैं, लास्ट टर्म एल कहते हैं, ये बस है। बट हमारे पास क्या है, 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म जो हमारा होगा वही आपको समझना है कि लास्ट टर्म 50th टर्म होगा। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, 50th टर्म। ये लेते जाइए प्लीज। फिफ्टी एथ टर्म को कैसे लिखोगे, ए प्लस 49d, ए प्लस 49d। बस लास्ट टर्म का मतलब जो दिया बताओ, उसका मतलब यही था बस, कि भाई जब हमारे पास 50 टर्म है तो वो 50th टर्म ही होगा। तो ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अगेन माइनस कर दीजिए, इज माय वन इज माय टू, तो वन माइनस टू ए कैंसिल, टू माइनस 49 इज माइनस 47, 12 माइनस 106 आई थिंक माइनस 94 होता है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 2 आ जाना चाहिए। यस सर नो? यस सर। D is equals to 2 करोगे, put in 1 कर दो, 2 2 जा 4, 12 minus 4 is 8, तो A is equals to 8। अगर A is equals to 8 है, D is equals to 2 है, find the 29th term। तो 29th term will be A plus 28D। 56 plus 8। सब बच्चे बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया?